क्या जरूरत है महेश केश वाला AKA थगेशन। आज हम बात करने वाले प्लेग्राउंड शो के कुछ कंटेस्टेंट्स की। ना कुछ लोग कहते हैं ये सस्ता बिग बॉस है, कुछ लोग कहते हैं ये सस्ता रोडीज है, लेकिन मेरे को क्या लगता है पता है, सस्ता इंडियाज गॉट टैलेंट है, क्योंकि वहां पे जो लोग रिजेक्ट होते हैं ना वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस शो में कुछ मेंटर्स है और हमारे दोस्त है, उनकी बात करते हैं। पहले आशीष चंचलानी भाई, किसी ने मेरे को पूछा कि टेल मी अ जोक ऑन आशीष चंचलानी, मैंने बोला उसका नेक्स्ट वीडियो। किधर है? फिर हर्ष बेनीवाल, हर्ष बेनीवाल ने ये शो इसी सीजन 2 में चालू किया। एंड किसी चीज का सेकंड पार्ट खराब करना तो हर्ष भाई की पुरानी आदत है। नहीं नहीं भाई, इधर प्लेयर लोग के ऑप्शन चल रहे हैं मजबूत में। आई मीन असली पैसे रोहित, इट्स अ रियल मनी ऑक्शन, हाउ इनक्रेडिबल इज। ये देखो भाई, बोली लग रही है यार ये लोग की, नल्ले लोग, लौंडे लौंडे लाखों में बिक रहे हैं यहाँ पे भाई। IPL में भी इतने में नहीं बेचे आते कुछ प्लेयर्स, बट स्टिल पूरे ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे पता है किसने कमाए? मेंटर्स ने। हेलो आशीष के दांत इतने सफेद हैं, उसे अगले साल विमान स्पॉन्सरशिप देगा। जब कैरी बोलता है तो कैसे हैं आप लोग, और बोलता है ना बहुत बुरे हैं हम लोग, वो अपनी टीम के बारे में बात कर रहा था। भी आप लोग सोच रहे होंगे कि एक गेम के लिए लोग ने हीलियम बलून्स वेस्ट किए, हीलियम गैस वेस्ट किया। आई थिंक जो हिसाब से ये लोग जोक मार रहे हैं ना, रूम का ऑक्सीजन भी वेस्ट ही कर रहे हैं। फिर क्या आपने ट्रिगू भाई, ट्रिगर्ड इंसान, अभी आप बोलोगे ट्रिगर्ड इंसान पे एक जोक बताओ, उसका गेमिंग करियर आगे बड़े-बड़े यूट्यूबरों को और इन्फ्लुएंसरों को ये लगे कि ये भिखमंगे चोर साले भाई, कोटी बंगले वाले ट्रिगर्ड इंसान है। बट एक बात है, ट्रिगू भाई, अपने ट्रिगर्ड भाई का यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि उसका कॉम्पिटिशन डोरा दी एक्सप्लोरर है। अगर आपको लग रहा है कि ये लोग ये क्यों कर रहे हैं, हमारे देश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स की क्या मजबूरी रही होगी जो ये करना पड़ रहा है ट्वर्क, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको बेस्ट रूम चाहिए। आई मीन प्लेयर्स तो खरीद लिए लेकिन इज्जत बेच दी। मैं यूट्यूबर हूँ। एक दिन हुआ है मिट्टी के चले। मतलब शो के शुरुआत में ही पहले ही दिन पे यहाँ पे लाइट नहीं थी, मतलब ये शो के बाद भी इनका फ्यूचर ऐसे ही होने वाला है अंधेरे में। मेरी फ्रेंड देख रही है जिसको मैं पसंद करता हूँ, तो प्लीज यार फट जा। नाम तो बता दो तब तो फटेगी वो। मेरे को क्या लगता है पता है, ये बंदा साइंटिस्ट है, ये बंदा वैज्ञानिक है जो चीजें डिस्कवर करता है। इसने अभी अभी डिस्कवर किया सबसे बुरा तरीका लड़की को प्रपोज मारने का। ऐसे कौन मारता है दोस्त? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। थप्पड़ मार दिया, थप्पड़। तू मारना? नहीं मारूंगा क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। तूने जो मारा मेरे को वो मैंने, मेरी फैमिली देख रही है। ओ भाई ये सब क्यों हो रहा है इधर? अरे भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चमाड़वाड़ पड़ रही है पब्लिक को। क्या ब्रो ये याद रखियो थप्पड़। मेरे को इस पे चाहिए क्लैरिटी, मेरे को इसमें चाहिए क्लैरिटी। अभी उनको भी मजाक का क्लैरिफिकेशन चाहिए जिसको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए। The international is like ungrateful. I think we're like being rude, but it's like this is like the only time that we can actually. और ये कौन अंग्रेज लोग हैं भाई, इनको उठा के लाया गया है यहाँ पे, ये सब गुलामी का बदला लिया जा रहा है इनसे, मैं बता रहा हूँ। Hey guys. तो अगर तुम सोच रहे कि तुम्हें कुछ जिम टिप्स मिलेगी, तुम्हें कुछ जैसा न्यूट्रिशन प्लान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें बोला गया मेकअप करने और उन्नति जैसा बनने की पब्लिक सबसे हार्ड, आपको तो पता है। यहाँ पूरे घर में कैमराज लगा है, वहाँ सबके पास फोन भी है व्लॉग निकालने के लिए, ताकि सब लोग अपना पर्सनल कंटेंट शूट कर सके। गुड गुड थॉट, बट जैसे मूवी में सबटाइटल्स होते हैं ना, नो एनिमल वाज हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, यहाँ पे सबटाइटल होना चाहिए लॉजिक इज हार्म्ड इन दिस वीडियो। बट ये कंटेस्टेंट्स ना परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक मिसाल है लोगों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताने, क्योंकि ये दिखाते हैं कि अगर सही एजुकेशन ना मिले तो क्या क्या करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा यूट्यूबर हूँ, छोटी मोटी वीडियोस बना लेता हूँ। ट्रिगर्ड इंसान 17 मिलियन फॉलोअर्स, इंडिया का ग्रेटेस्ट रोस्टर। मेरा भरोसा तभी उड़ गया था जब उन्होंने ट्रिगर्ड इंसान को ग्रेटेस्ट रोस्टर बोल दिया। सॉरी ट्रिगू भाई, चलो भाग। You are a person, you keep things a lot inside. बाहर आप कुछ ऐसा portray करते हो कि everything is good, all right, but somewhere deep inside your emotions are still hidden within your own self. Hey, hey, चल चल, ये तो सब पे apply होगा, ये point तो मेरे पे भी apply होगा, आप पे भी होगा, जितने लोग video देख रहे हैं सब पे होगा ये point apply. Scam कर रही है, ये wrong number है. Wrong number, ये wrong number है. हाँ ये लड़की क्लेम कर रही है कि ये फ्यूचर बताएगी सबका। मैं कह रहा हूँ अगर इसको सच में अपना फ्यूचर दिख रहा होता यहाँ पे थोड़ी आती।
एक तो यार छोटे छोटे क्लिप्स इतने इंटरेस्टिंग है ना, पूरा एपिसोड देखने का मन कर रहा है। तो अभी अपन पूरा एपिसोड देखेगा, अपन अमेजोन ऐप पे जाएगा, उधर मिनी टीवी का ऑप्शन है, उधर क्लिक करेंगे तो उधर सामने प्लेग्राउंड सीजन 2 दिखेगा। फिर क्या मस्त सारे एपिसोड बिंज वॉच करने के, कंटेंट का कंटेंट और मजे का मजा। उसको अलग से बुलाइए, ठीक है? बुला के पहला बार चौंक गया, बाहर जाके बैठ जाती हूं उसके साथ। हाय तो अबे जो इतना टाइम था ना भाई, उसको याद था ये बंदा, बहुत परफेक्ट था। माय बॉयफ्रेंड नो यू आर सिंगल इंडियन गर्ल्स आर क्रेजी भाई। तुम ऐसी हरकतें करोगी तो गलत एग्जांपल ही सेट होगा ना इंडियन गर्ल्स का, तभी तो बोल रहे हैं। सो लॉट ऑफ पर्सनालिटी। आई हैव टू फेल फॉर यू। I fell for you. वैसे ही जैसे तुम्हारा self respect fell हुआ था auctions में। Please, scout, take me. आपके पास एक लड़की नहीं है। Stop, please, give me a try. Please, please, please. मैं हम entertain नहीं हुए। मैं तो नहीं हुआ। मैं बिल्कुल भी। ठीक है। और अब ये तो शो का फॉर्मेट है कि हमको आपको ऑक्शन तक लेके जाना है। Right. तो because for you are a player from the last season. हर्षद आप जब से आए हो ना, आपका एक ऐसा हर्ष भाई, फॉर द सेक एंड फॉर्मेट ऑफ द शो सीधा बोलो ना, ग्लैमर चाहिए शो में हर्ष भाई। हैं पर्सनल लाइफ में मत दिया कर दखल। क्या किया तेरे को? मत बोल। क्या बोला तेरे को? किससे बोला मैंने? और पहले मेरे से आराम से बात कर, मेरे से तुम इससे बात किया कर, ठीक है? मेरे से बात किया कर। अक्षु को उन्नति पे क्रश। एक गर्लफ्रेंड क्यों बोल रही? फिर मेरे को कॉल करी। मस्त स्कूल का याद आ गया मेरे को ये लोग को देख के। आये हाय हाय है भी सारे स्कूल के बच्चे हैं इसमें। तो लास्ट टाइम दो बच्चों को लड़की के लिए लड़ते हुए स्कूल में ही देखा था। मजे ले रहे जो भी है, आम रेसलिंग का मैच जीतेगा विल बी द न्यू कैप्टन फॉर ट्रिपल ए वेल। लेट्स गो बॉयज एंड द गर्ल्स। Okay, so on the right side we have Akshu and the left side we have Rain. Rain, I really समझ नहीं रहा इतना चिल्ला क्यों रहे। अच्छा क्रिएटर्स है, फालतू हाइप क्रिएट करने का तो आदत हो ही गया है। अगर आप नोटिस करोगे इसमें से मोस्ट ऑफ द मेंटर्स ना महीनों सालों तक भी वीडियो नहीं डालते अपने चैनल पे। ये जिंदा है, इशिका देखो ये जिंदा है। क्योंकि उनको चैनल पे क्वालिटी मेंटेन करने का, और यहाँ पे देखो रोज आते हैं। शायद इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया यहाँ कोई क्वालिटी नहीं है। पिछले सीजन में मॉर्टल था, मॉर्टल वाज द मोस्ट सीनियर मेंटर, एंड मेरे को लगता है भाई ने शो छोड़ दिया क्योंकि भाई की उम्र हो गई आजकल। और जब आदमी की उम्र हो जाती है ना तो गलत जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता। एक्चुअली जब मैं ये शो पे रिसर्च कर रहा था ना तो मैंने अपने नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स लगा रखे थे, वो खराब नॉइस जो रिड्यूस करते है ना, तभी बोलो आशीष चंचलानी म्यूट पे क्यों था। अभी बोलोगे स्काउट पे जोक नहीं किया। स्काउट पे जोक उतने ही लोग सुनना चाहते जितने उसकी टीम में जाना चाहते, कोई नहीं। बाकी ये शो बाकी शो से अलग है क्योंकि इसमें ये लोग ऑडियंस को भी पे करते हैं। पता है इसमें से हाईएस्ट पेड ऑडियंस कौन है? स्काउट। शर्म आ रहा है बिल्कुल भी? एक रुपए का शर्म है? और इस शो में कैरी भाई है, एंड सच में अपने नाम पे खड़े उतर रहे कैरी भाई, शो को अकेले कैरी कर रहे। शाबाश, ऐसा हूर हमने कहां देखा, जिसको हमने पाया तो हमने मशहूर हो गए, दिल ना मिला दिल से मिले और हम ये जिंदगी में हूर हो गए। कविता पोएट्री को डिस्कवर हुए पता है कितने साल हुए? 5000 साल। 5000 साल पहले कविताएं लिखी गई थी। स्टिल इसने वर्स्ट कविता लिखने का तरीका निकाल लिया, क्या बात है भाई। ध्रुव अपने टीम के कैप्टन और ओनली प्रो गेमर ध्रुव सांगवान से जिस तरीके से बात करता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि हमको देख के बुरा लग जाता है, पर अब ये ऐसे इतना चौड़ेगा तो भाई इसका गेम बजा देंगे। भाई वंशराज भाई की आवाज में दम तो है, इसकी आवाज इतनी भारी है ना कि अगर इसका वेट 50 किलो है ना तो 49 तो इसका आवाज है। आगे भी सिखा? पता है इसके आगे क्यों नहीं सिखा रहे? बिकॉज इसको खुद 15 सेकंड का ही आता है, क्योंकि रील्स पे उतना ही होता है ना। आपको पता है घर में सबसे ज्यादा खुश कौन है? इनके घर वाले जो अपने घर में, इनको यहाँ देख के दूर ही रहो। चला जा मेरे भाई, चला जा। वाला टेली वोट फॉर इलाय, वी बीन रियली सैड फ्रॉम लास्ट नाइट। सब लोग वोट दो यार इलाय को अगर घर में रखना है तो, क्योंकि पॉलिटिक्स मारेगी इसको। पॉलिटिक्स मारेगी उसको, गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें फॉरेनर्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, अतिथि देव भव, सो इसके लिए वोट मत करो, इससे अच्छा इसके लिए क्या होगा। बात तो सही है। किसी का सपना हूँ मैं, किसी का सुकून सुख सपना हूँ सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। जो आप बोलूं
इसका गाना सुन के मेरे को बचपन के कार्टून की याद आ गई। मैंने डोरेमोन के नहीं जियान के। मेरा रैपर नहीं गैंगस्टर है, तू रैपर नहीं डांसर है, एक्टिंग तू कर रे ला रावस। देखो मेरे को मालूम था ये गेमिंग शो है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कंप्यूटर गेम से ज्यादा यहाँ पे दिमाग के गेम्स खेल रहा है पब्लिक। बेसिकली बाहर जा करके आपको दिखेगा एक बैलेट बॉक्स, यू गाइज हैव टू राइट वन नेम ऑफ एनी वन आउट ऑफ दीज बॉटम फाइव and anonymously and you guys have to put it up in that ballot box. तो मेरा वोट जाता है रिचर्ड को, बिकॉज आई थिंक उसको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी परफॉर्म करने की एंड वो परफॉर्म नहीं कर पाया था। माई रीजन इज दैट वो टीम में अच्छा प्ले कर रहा है एंड अगर कोई एंटरटेनर रिप्लेस करते हैं इन्हें तो शायद टीम वीक हो जाए। Now this is like real voting, क्योंकि real voting में भी ballot box use होता है, वो भी anonymous होती है और लोग भी किसी और का promise करके किसी और को vote देते हैं। बड़ा पूरा शो देखोगे Amazon Mini TV पे। Playgrounds के tryouts में सब contestants ने अपने जिंदगी की एक दर्दनाक story बताई, ये tragic story बताई। मैं बोल रहा हूँ भाई, sympathy पे views लेने से ज्यादा tragic क्या हो सकता है? बात तो सही है। लोग कह रहे थे कि इन contestants की वजह से देश में gaming की opportunities बढ़ जाएगी। इन लोग को देख के मेरे को लगता है एक ही चीज बढ़ने वाली है, cringe content को लेकर tolerance। अभी अगर आप पूरा शो देखोगे तो इसमें सब लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, मतलब जो नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं अभी। इससे मालूम पड़ता है कि सही गाइडेंस ना हो ना तो कंटेंट बनाने वाला कंटेंट बन जाता है। बट आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर प्लेग्राउंड सीजन 2 देखना है तो फोन में अमेज़न शॉपिंग ऐप खोलो, उसमें मिनी टीवी का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करो एंड फ्री में प्लेग्राउंड सीजन 2 देख सकते हो। मस्ट बिंज वॉच करो, मजा आएगा। किसको सपोर्ट कर रहे हो, किस मेंटर को सपोर्ट कर रहे हो मेरे को बताओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।